नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं और टाइटल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम जानेंगे आधार कार्ड से पैन कार्ड को कैसे लिंक करते हाल हैं। फिलहाल जैसे में सरकार जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर रहा है, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक होगा तो आपका कोई भी बैंकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको जानने ये के लिए इसी मैटर पे बहुत जानेंगे और हम तकरीबन 8 टॉपिक चूज करके रखे हैं जो आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वो 8 टॉपिक क्या है जिस पे हम आज तो चर्चा ये करेंगे। 8 मैटर मैं आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूं पहले कि आप इस वीडियो पे पूरा बनिए। आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या चीज पे हम इस बात करेंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ने का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे करें। जैसे अगर आप लिंक करना चाहते हैं, अगर आपका लिंक नहीं है तो उस पे आपको ये बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक है आधार कार्ड पैन कार्ड से स्टेटस कैसे देखें। अगर आपका लिंक हो गया है तो आपको स्टेटस देखना है तो वो चीज आप कैसे देखिएगा इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तीसरा आपका टॉपिक है एक क्लिक में आधार कार्ड पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें। जैसे अगर आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम एक सरप्राइज देंगे इस वीडियो में। जो है आपको कहीं कोई वेबसाइट पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली फोटो आपका पैन कार्ड का आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा लिंक है या नहीं है। लिंक नहीं भी होगा तो आपका लिंक हो जाएगा। छठा टॉपिक है आधार कार्ड से लिंक करके अपने दोस्तों को और अपने फैमिली का मदद कैसे करें। सातवां टॉपिक है आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक क्यों करना चाहिए। आठवां और लास्ट टॉपिक है आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। 38 चीजों पे हम जैसे इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और लास्ट में जैसे मैंने बताया आपको एक सरप्राइज है, क्योंकि आपको पास अगर मोबाइल नहीं है या मोबाइल है लेकिन आपको वेबसाइट नहीं चलाने आता, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो उसके लिए हम एक सरप्राइज रखे हैं लास्ट में। जो है आपको बताएंगे कि वो कैसे आपको सिर्फ अपलोड करके फोटो डालकर व्हाट्सएप पे फोटो डाल के आप कैसे चेक कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो डाल के आपको चेक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेबसाइट है, वेबसाइट का यहाँ नाम लिख दिया है। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ जो दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ये जो है यहाँ जो 3-4 जो ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको इसी में काम करना है। और आपको हम बताएंगे जैसे आपको लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार कैसे आधार कार्ड को जोड़ें और आधार कार्ड को स्टेटस कैसे चेक करें, इसी वेबसाइट पे दिखाएगा। तो चलिए आपको बता दें, सबसे पहले हम किसी आधार का स्टेटस चेक करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो था तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे किसी का आधार कार्ड से, अगर उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटस पे आएंगे, लिंक आधार कार्ड स्टेटस पे आएंगे। उसके बाद जो है उनका जो है ऊपर पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड का नंबर लिख देते हैं। चलिए फटाफट हम पैन कार्ड का नंबर लिख देते हैं, 1-0। तो आप देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ हो गया, पैन कार्ड का नंबर हो गया। यहाँ पे अब एक ऑप्शन आता है व्यू व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पे फटाफट क्लिक करके आपको देखते हैं कि आधार कार्ड का लिंक हुआ है या नहीं, यहाँ से ये पता चल जाएगा। आधार कार्ड का अगर लिंक हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो चलिए जैसे यहाँ क्लिक किए तो यहाँ देखिए इनका जो है लिख रहा है योर पैन कार्ड, उनका पैन कार्ड का शुरू का 2 अक्षर लास्ट का 2 अक्षर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार कार्ड। आधार कार्ड का शुरू का 2 अक्षर लास्ट का 2 अक्षर आपका यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इनका जो है पैन कार्ड का और आधार कार्ड से ये इनका लिंक हो चुका है, इनको अब कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है उनका लिंक हो गया है तो इनको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक करना है। तो ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं 80 से लेके 90% लोग जो हैं इसी में फंस जाते हैं। आजकल के जो हैं साइबर कैफे हैं, जो भी मतलब जहां भी हैं साइबर कैफे हैं, उसमें क्या होता है लोग जाते हैं अपना आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए, 1,000 रुपया चार्ज लग रहा है। तो
सबसे पहले क्या होता है, वहां जाते हैं लोग, आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड देते हैं, कहते हैं जो समझ नहीं होता है, जिनकी उतना अकल नहीं होता है, जो कि मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना है उनका, जबकि हालांकि पहले से ही लिंक होता है। तो ये चीज आपको पहले चेक कर लेना है, नहीं लिंक होगा तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी चीज है। तो वहां जो है वो बोलते हैं कि आपका लिंक हो जाएगा, 1000 रुपया लगेगा, लेकिन कहते हैं हम पैसा नहीं है, ये है वो है, तो चलो ठीक है आप 800 दे दो, 900 दे दो, 600 दे दो, क्योंकि उनका तो पहले से लिंक हो चुका है। तो उसमें जो है वो जितना भी ले लेंगे और बोलेंगे 24 घंटे के अंदर आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बंदा 24 घंटा बाद आएगा, आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लेगा, तो पूछेगा लिंक हो गया है, तो उसे चेक करके दिखा देंगे, देखिए लिंक हो गया है। इसी तरह 80 बहुत ज़्यादा मतलब ये केस आ रहा है, और मेरे पास भी बहुत सारा मैसेज आया, फ़ोन आया कि भाई इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए और कैसे चेक करते हैं उस चीज़ के बारे में बता दीजिए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ आ गए हैं, होम पे आए, होम पे आने के बाद जैसे अभी मेरा यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है, होम पे आने के बाद यहाँ पे जो है लिंक आधार, लिंक आधार पे जैसे अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक अगर किसी का नहीं है, अगर घर परिवार में किसी का लिंक नहीं है तो उसको अगर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये जो नोटिस दिया हुआ है ये चीज को आपको ख्याल रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप मेरा ये वीडियो आप अगर असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं तो ये चीज आप लोग के लिए नहीं है, ये चीज जो है आप लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग ये कीजिए। और 80 साल के ऊपर का बुजुर्ग जो लोग होते हैं, 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी ये काम करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो होता है नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कोई इंडिया का बंदा नहीं है, इंडिया में रहता है लेकिन वो इंडिया का नहीं है, कहीं और से आके रहता है, उसको ये कराने की जरूरत नहीं है। और NRI अगर कोई होता है, अगर NRI है तो उसको भी ये कराने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो है अभी डेट बढ़ चुका है, जब ये शुरू शुरू में आया था तो फ्री में था, एकदम फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगता था, फ्री में होता था। उसके बाद 1 महीना बाद 500 रुपया का फी लग गया इस पे, उसके बाद अगर जैसे जो जो करा लिया फ्री में वो तो फ्री में हो गया, जिसका फ्री में नहीं हुआ है उसके बाद जो है उनका 500 लगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे लोग जाने, उसके बाद 1000 रुपया आप कर दिया है। तो ये चीज जो है यहाँ आपको, यहाँ पे जैसे आपको 500 रुपया फी दिख रहा है, उसके बाद 1000 रुपया फी दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट, इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करके आपको कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो है पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड का नंबर टिप के यहाँ जो है वैलिड जो है लिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे जो है पैन कार्ड का नंबर हम हाल फिलहाल में डाल रहे हैं, अभी पैन कार्ड का नंबर तो गाइज यहाँ पे आप पैन कार्ड का नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे इसी बंदा का, जिस बंदा का पैन कार्ड का नंबर यहाँ डाले हैं उसी बंदा का हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भी डाल रहे हैं ताकि उसका हम जोड़ सकें, क्योंकि उसका नहीं जोड़ा था, जोड़ने का तरीका बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जैसे वैलिडिटी पे आपको क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे देगा, फिर एक बार कंफर्म पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद नीचे जो है एक मोबाइल नंबर का जो है ऑप्शन देता है, तो अपना एक मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो कि OTP आपको मिल जाए, OTP की जरूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ OTP यहाँ चालू हो जाएगा, टाइमिंग 15 मिनट का होता है और OTP गिरने का मतलब समय 15 मिनट तक सीमित होता है, 15 मिनट के बाद फिर से रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ OTP गिर गया है, तो चलिए फटाफट OTP क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे OTP हम लोग क्लिक किए उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ नाम देखना है, उसके बाद बस उसके बाद जैसे फर्स्ट वाला जो है इनकम टैक्स वाला जो डिटेल भर देना है, उसके बाद यहाँ पे
23-24 भरना है, उसके बाद यहाँ पे 500 का ये भरना है, क्योंकि आपको ध्यान देना है 500 वाला ही भरना है, लेकिन आगे चल के पेमेंट जो है वो आपको आगे बताए। पंजाब नेशनल बैंक का हमारे पास नेट बैंकिंग है, तो जैसे हम नेट बैंकिंग भर लेते हैं, जैसे यहाँ पे नाउ कीजिएगा, उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट टू बैंक कर दीजिएगा। अब नेट बैंकिंग से हम पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल और कोऑपरेटिंग दिया हुआ है, तो हम रिटेल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे खुलेगा, अपना यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद उसको खोलेंगे, खोलने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे आपको पेमेंट करना है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल यूपीआई प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हम यूपीआई से नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो है हम नेट बैंकिंग का यूज किए हैं। नेट बैंकिंग कैसे होता है, मतलब आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग से पैसा कैसे कटता है, तो यहाँ पे ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस चालू हो गया है, उसके बाद चालू होने के बाद यहाँ पे कुछ आपको सामने सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस चीज को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैंक से ही मैसेज आ जाएगा कि आपका 1000 रुपये कटा है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, वो ऑटोमेटिक जो है फाइल को रिडायरेक्ट ले आएगा पेज पे, जो उस साइड पे है, जो साइड हम आपको शुरू से बताए हैं उस साइड पे आएगा। उस साइड पे आने के बाद जैसे आपको यहाँ दिख रहा है सक्सेसफुल पेमेंट, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको डाउनलोड कर लेना है वो पेपर, रिसीव जो रिसीवर बोलते हैं, रिसीव करते हैं उस चीज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड उसके बाद एक नीचे भी डाउनलोड का सेम ऑप्शन है, तो ये दोनों पेपर समथिंग समथिंग सेम ही होता है, बस आपको दोनों डाउनलोड करके रखना है कि एक आपको ऐसे लगे कि हमने पेमेंट किया है, उसका रिसीव है मेरे पास, तो इस चीज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह का रिसीव मिलता है, एक आपको पेपर दिया जाता है कि हाँ आपने इतना इतना तारीख को आपने पेमेंट किया है, और आपका 24 घंटा के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाता है, 24 घंटा के अंदर अपडेट हो जाता है, 24 घंटा बाद आप चेक कीजिएगा तो आपको उसमें लिंक मिलेगा, जैसे वहां हम लोग चेक किए हैं, जैसे उनका चेक उनका लिंक था, इसे ही आपको इसमें भी लिंक मिलेगा। इस प्रोसेस को आप जानकर आप अपने अगल बगल वाले भाई बंधु का भी आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठगी से बचा सकते। इस प्रोसेस को जैसे मैंने बताया सेम अगर आप उस तरह करके आप अगर जानना चाहते हैं, अगर आपको करना चाहते हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर लें, तो सेम टू सेम मोबाइल से सेम प्रोसेस है, आपको इस तरफ कर लेना है। करने के बाद आपको आपका 24 घंटा या 48 घंटा भी लग सकता है, जैसे तकरीबन दो दिन बाद ये आपको उस फाइल पे आप जाके चेक कीजिएगा तो यहाँ लिख देगा ऑलरेडी लिंक। तो सबसे पहले आपको ये सब करने से पहले आपको स्टेटस चेक कर लेना है, क्योंकि स्टेटस जब चेक कर लीजिएगा तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ हमारा लिंक नहीं है तो हमको कराना जरूरी है। अगर आप नहीं कराइएगा तो आपका बैंकिंग सिस्टम सारा काम करना बंद हो जाएगा, पैन कार्ड का जो है आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, तो आपको ये चीज कर लेना जरूरी है। टॉपिक जो हम बताए थे कि आपको फोटो या आधार कार्ड का पैन कार्ड का अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे चेक करना चाहते हैं मेरा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो उस चीज के बारे में बता दूं आपको क्या करना है। मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वे जो वेबसाइट का लिंक है वहां आप क्लिक कीजिएगा, जैसे जैसे मैं सेम बताया उस तरह कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं उतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो, तो उसी लिंक के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, अपना पैन कार्ड का अपना आधार कार्ड का फोटो डाल देना है, मैं आपको चेक करके आपको व्हाट्सएप पे ही रिसीविंग डाल दूंगा कि आपका लिंक है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे। ओके।